हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट राधिका शर्मा, लीगल एडवाइजर एट लेक्सिस एंड कंपनी। सो एज कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है ट्रेडमार्क का, तो अभी इन आर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस लाइक इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। अगर हमारा लाइक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होता है या फिर आप अपने ट्रेडमार्क को कैसे डिफेम लाइक डिफेंड कर सकते हैं, तो अगर आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हुआ है तो लाइक हु कैन सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, कौन लायबल होगा और कौन उसके लिए सू कर सकता है, विल गोना डिस्कस अबाउट दैट। सो बेसिकली दे आर फॉलोइंग पीपल्स आर एलिजिबल टू सू इन केस दैट देयर इज एनी पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट है। लाइक फर्स्ट वन इज प्रोपराइटर होता है ऑफ ट्रेडमार्क का, जो भी प्रोपराइटर है उस ट्रेडमार्क है जिसके नाम पर वो रजिस्टर्ड था। लीगल सक्सेसर हायर्स ऑफ द प्रोपराइटर एंड अ रजिस्टर्ड यूजर ओनली वेन द रजिस्टर्ड यूजर हैज सेंड अ नोटिस टू द इन्फ्रिंजर एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल टू टेक एनी एक्शन। इफ इट्स अ जॉइंट प्रोपराइटरशिप एनी ऑफ द प्रोपराइटर, अगर कोई भी जॉइंट प्रोपराइटरशिप है तो कोई भी प्रोपराइटर जॉइंट प्रोपराइटरशिप में से अ फॉरेन प्रोपराइटर अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड व्हेन इन्फ्रिंजमेंट अकर्स इन इंडिया एंड लाइक द एक्शन अगेंस्ट पासिंग ऑफ लाइज इन इंस्टीट्यूटिंग अ सूट विच इज ऑफ्टन कंबाइंड इन टू अ सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ टू क्लेम रिलीफ। तो दीज आर द पर्सन हु कैन सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द लाइक कौन सू कर सकता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है ट्रेडमार्क का। सी यू सून, बाय।